हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बना रहे हैं दाल तड़का ढाबा स्टाइल। तो हमने ही तुअर दाल ली है आधा कप, 2 टेबलस्पून हमने धुली मूंग ली है और 1 टेबलस्पून हमने लाल मसूर ली है। इनको हम अच्छे से धोकर भिगो देते हैं आधा घंटे के लिए। ये देखिए, दाल को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और अच्छे से साफ भी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल फूल गई है, तो बहुत अच्छे से हमने धोकर इसको रखा है। और अब हम इसको कुकर में चढ़ाएंगे बॉईल करने के लिए। ये देखिए 1/2 टीस्पून हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार डालकर पानी हमने डाल दिया है और कुकर में 2 विसल लगाएंगे। जब तक दाल की तैयारी हो रही है तब तक हमने ये पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 1 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल और साथ में डालेंगे घी। 2 टेबलस्पून के करीब हम डालेंगे इसमें घी और घी गर्म होने की इंतजार करते हैं। घी गर्म हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ लहसुन। इसमें हमने डाला है कटा अदरक। लहसुन के बाद कटा अदरक डाल दिया है। दोनों को हम अच्छे से भून लेंगे। ये दाल तड़का बहुत टेस्टी लगता है। जब तक हमारी दाल बॉयल होगी हम ये बना लेंगे और फिर ऊपर से फिर तड़का लगाएंगे, तो इसलिए उसका नाम दाल तड़का है। अब हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमने बारीक काट लिया है, मीडियम साइज की प्याज है, और इसको हमें गोल्डन ब्राउन अच्छा भूनना है। खूब अच्छे से भून जाएगा तभी हम टमाटर डालेंगे। 1 हरी मिर्च डाल देंगे, कटी हरी मिर्च, और प्याज को भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए इतना ब्राउन हो जाए, यानी लहसुन प्याज अदरक सब बहुत अच्छे से भून गया है, देख रहे हैं ना आप। हमने इसमें जीरा नहीं डाला है, जीरे का तड़का हम ऊपर से लगाएंगे। तो ये जब अच्छे से भून जाए तो जो हमने मसाले लिए हैं, थोड़ा सा मैं नमक भी इसमें डाल रही हूँ ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाएगा। तो थोड़ा सा नमक है दाल में क्योंकि हमने डाला है, तो बहुत सोच समझ के आप नमक डालिएगा। इसको करेंगे मिक्स 1 मिनट के लिए, एक मिनट में तो जल जाएगा। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें कटा हुआ टमाटर। ये हमने 1.5 टमाटर लिया। और इसको हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून हम इसमें पानी डालेंगे। और अब हम टमाटर को पकने देंगे, यानी बिल्कुल मैश हो जाएंगे ना टमाटर, छिलका मुंह में नहीं आना चाहिए दाल का, तो तब हम इसको तड़के को दाल में डालेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से टमाटो जो है वो मैश हो गए हैं कुछ ही टाइम में, बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा है अलग अलग, बहुत ही बढ़िया। घी जो है मसाले ने छोड़ दिया है, तो ये बहुत परफेक्ट है। अब हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं। देखिए 2 विसल के बाद ना हमारी दाल कुछ इस तरह की हो गई है और बहुत ही बढ़िया हो गई है बनके। पानी भी परफेक्ट रहा है, हम आधा इंच ना ऊपर ले लेते हैं पानी। अब हम इसमें तड़के में दाल को डालते हैं या दाल में तड़का डालते हैं। इसको मिक्स करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया ये दाल बनी है। तड़का ये अच्छा से मिक्स हो जाएगा दाल में और इसके बाद एक फिर फाइनल तड़का हम लगाएंगे। देखिए ना घुटी है दाल ना खड़ी है, बहुत ही परफेक्ट बनी है। मिक्स करते हैं अच्छे से। सारी दाल डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए अब 1 उबाल आने देंगे और इस समय हम इसमें ना नमक टेस्ट कर लेंगे। और कंसिस्टेंसी ये बिल्कुल परफेक्ट है दाल की। देखिए हमने दाल में कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और ये इतनी दाल बच गई है, 1 डोंगा ये भी है।
तो यानी ये दाल सफिशियंट है 3 से 4 लोगों के लिए। तो जब भी आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। आप करते हैं तड़के की तैयारी। देसी घी गरम हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें 1 पिंच हींग, 1 डल गया है, साथ ही में डाल देंगे जीरा और ये लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, इनको अच्छे से तड़कने देंगे। घी बहुत जल्दी जल जाता है इसलिए आपको गैस को धीमा रखना है। ये देखिए गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं डालूंगी इसमें ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और जल्दी से बस हम इसको तड़के पे डाल देंगे, मतलब दाल पे तड़का डाल देंगे, है ना रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये दाल मैंने अभी टेस्ट करके देखी है, क्या गजब दाल बनी है, बहुत ही यमी है। आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, और आप होटल की दाल खाना भूल जाएंगे। थोड़ा सा धनिया की पत्ती डालते हैं और रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।